अररिया पुलिस ने बिहार के सबसे बड़े लूटकांड का खुलासा कर दिया है। जोकीहाट के फेटकी चौक के पास इस वारदात को 19 जून को अंजाम दिया गया था, जहां पर अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े 23,51,000 रुपए लूट लिए थे। अररिया पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8,60,000 रुपए कैश बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से कार, बाइक और मोबाइल भी बरामद किया है। एसपी अशोक कुमार ने मामले का खुलासा किया है। उधर पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस कांड के फरार अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। बचे हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे लूट की रकम भी बरामद कर ली जाएगी। इस लूट कांड में गिरफ्तार लोगों में बागमारा के मोहम्मद सद्दाम और उनके भाई एहतशाम, बागमारा के ही करीम, महलगांव ओपी के मछेला निवासी सीएसपी संचालक पिंटू यादव, पलासी थाना क्षेत्र के बरहट के जमशेद, दिगली के सुभान और नरपतगंज के खाबदाह निवासी नूर कैसर शामिल हैं। ये जोकीहाट थाना क्षेत्र में 19/6 को लगभग 3:30 बजे शाम में 8 अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा सीएसपी संचालक के साथ रोड डकैती के घटना को अंजाम दिया गया, जिसके संबंध में जोकीहाट में डकैती का कांड दर्ज किया गया है। कांड प्रतिवेदित होने के तत्काल बाद कांड के सफल उद्भेदन, घटना में संलिप्त अज्ञात अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी, लूटे गए रुपए की बरामदगी के लिए एसडीपीओ अररिया के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड को उद्भेदित किया गया। इसमें संलिप्त 7 अपराधकर्मियों की गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान एवं निशानदेही के आधार पर लूटे गए रुपए लगभग 8,60,000 रुपए की बरामदगी हुई। उस लूट के रुपए से खरीदी गई एक पल्सर मोटरसाइकिल जो लगभग करीब करीब 2,00,000 रुपए की है, उसकी भी बरामदगी की गई है। घटना में उपयोग किए गए पल्सर मोटरसाइकिल और एक पीट कार को भी बरामद किया गया है अपराधियों के घर से। शेष जो बची हुई राशि है उसकी बरामदगी के लिए और जो शेष बचे हुए अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी चल रही है, उन्हें भी बहुत जल्द गिरफ्तार।